यदि दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ दिया जाए तथा दोनों में पजेसिव, एक चीज समझिए, शुरू से ए हो तो लास्ट तक, ए दादा है तो लास्ट तक दादा, जैसे अगर द सी एंड द डीएन लिखेगा तो ये एक ही आदमी है कि अलग 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 अलग, ईज होगा कि हार होगा, एक में हटा देंगे ईज होगा, क्योंकि जो सी एम है वही डीएम है, बस तक क्लियर। अगर बोलेंगे तब ईज किया और हटा देंगे पता ना, याद रहेगा आप माय टीचर एंड माय गाइड, ये क्या दोनों का जैसे चक्कर है, ये हटाते नेता खत्म हो गया, ब्रेन में बस गया। आप देखिए यहाँ से फिर लिखवाता है कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो एंड के साथ जोड़ने के बाद भी भार सिंगल लेता है, जैसे ब्रेड एंड बटर, सुने होंगे उसकी चर्चा अभी हम लोग नहीं करेंगे, कंटेंट डेवलप पहले करेंगे। तो यहाँ पर लिखेगा जब कभी भी आइदर और को दो सब्जेक्ट आइदर और रुक जाइए, जब कभी भी आइदर और कॉमा दीजिए, नाइदर नॉर फिर कॉमा, नॉट ओनली बट अल्सो को दो सब्जेक्ट के साथ जोड़ दिया जाए, दो सब्जेक्ट के साथ जोड़ दिया जाए तब इसके साथ बाहर का डिसीजन अगले सब्जेक्ट के अनुसार होगा भारू का डिसीजन अगले सब्जेक्ट के ट्रांजैक्शन हम पढ़ाए हैं ना, कैसा कन्वेक्शन है, कैसा डिप्रेन में रखना है, एक ऐसा कन्वेक्शन है, इसको दो सब्जेक्ट के साथ जुड़िएगा तो भाग का डिसीजन पहला से कि सेकंड, दूसरे वाले से, अरे पहला से कि सेकंड से, अरे यही ना अगला, अरे क्लियर है, अरे याद रहेगा अगला मतलब ये वाला की वाला जो का आ रहेगा किसके लिए आ रहा है, यू के लिए, ये दोनों एक ही पार्ट ऑफ स्पीच के पहले होता है पाया, और ये भी आभार का डिसीजन आला, जैसे कि आइदर आई नाइदर नो नाइदर आई नाइदर आई नो नाइदर आई नो यू नाइदर आई Nor you are playing game. Neither I nor you are playing game. यानी नहीं मैं गेम खेल रहा हूँ और नहीं आप खेल रहे हो, क्लियर है, हो गया सर, हुआ कि ना हुआ 100%। चलिए सुनिए, लिखेगा आइदर और, लिखेगा आइदर और वो दो सब्जेक्ट के साथ जोड़ दिया जाए, दो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जोड़ दिया जाए, आइदर और को दो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जोड़ दिया जाए, आइदर और को दो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जोड़ दिया जाए, तब
आइदर और को दो सिमिलर सब्जेक्ट के साथ जोड़ दिया जाए तब आने वाला भार सिमिलर होगा, आने वाला भार सिमिलर होगा। पक्का? जैसे सिमिलर होगा, जैसे लिखेगा आइदर द स्टूडेंट, आइदर द स्टूडेंट और द टीचर, और द टीचर, और द टीचर इज लेबोरियस, आप बताइए इसमें आइदर किसको फॉलो करेगा? अरे आइदर किसको, और वो भार का डिसीजन पहला से कि सेकंड से? सेकंड से, सेकंड से, सेकंड में बोलिए द टीचर एक सिंगलर है ना, ये ई जाएगा कि आ रहेगा? ई जाएगा, याद रहेगा, लिखेगा जब कभी भी, जब कभी भी आइदर और को, जब कभी भी आइदर और को दो प्लुरल सब्जेक्ट के साथ जोड़ दिया जाए, जब कभी भी आइदर और को दो प्लुरल सब्जेक्ट के साथ जोड़ दिया जाए, जब कभी भी आइदर और को दो प्लुरल सब्जेक्ट के साथ जोड़ दिया जाए, जब कभी भी आइदर और को दो प्लुरल सब्जेक्ट के साथ जोड़ दिया जाए तब 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 इसके साथ आने वाला भार प्लुरल होगा, तब इसके साथ आने वाला भार प्लुरल होगा। जैसे मैं लिखेगा आइदर द स्टूडेंट्स, नहीं हाँ आइदर द स्टूडेंट्स और द टीचर, और द टीचर्स, और द क्या टीचर्स आर कमिंग हियर टू अटेंड द क्लास, आर कमिंग हियर टू अटेंड द क्लास, आर कमिंग हियर टू अटेंड द क्लास। बोलिए लीड होगा कि आर होगा? टीचर्स के लिए, किसके लिए आ रहा है? टीचर्स के लिए, ऐसा तोड़ के भी लिखवा रहे हैं ताकि दिमाग और सटीक हो जाए। नहीं सही सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, लिखेगा जब कभी भी आइदर और को, जब कभी भी आइदर और को दो सब्जेक्ट के साथ जोड़ दिया जाए, जब कभी भी आइदर और को दो सब्जेक्ट के साथ जोड़ दिया जाए, जब कभी भी आइदर और को दो सब्जेक्ट के साथ जोड़ दिया जाए, जब कभी भी आइदर और को दो सब्जेक्ट के साथ जोड़ दिया जाए, क्लियर है? तथा पहला सब्जेक्ट यदि सिंगलर हो तथा पहला सब्जेक्ट यदि सिंगलर हो और दूसरा सब्जेक्ट पुलरल तब इसके साथ आने वाला भार्व, तब इसके साथ आने वाला भार्व सदैव पहला क्या था भाई? सिंगलर, और दूसरा प्लुरल होगा, सदैव प्लुरल होगा। जैसे लिखिएगा आइदर द स्टूडेंट पहला क्या है? सिंगलर है, और द टीचर्स, क्लियर है?
लिखेगा आर आर प्रेजेंट इन द क्लास। अच्छा इस समय बच्चा कंफ्यूज खाता है वो कि ना केला खाता है सर तो जो भी लिखवा ना खाएगा। अरे खाएगा कि नहीं फिर लिखेगा आइदर और लिखेगा आइदर और को यदि दो सब्जेक्ट के साथ जोड़ दिया जाए आइदर और को यदि दो सब्जेक्ट के साथ जोड़ दिया जाए आइदर और को यदि दो सब्जेक्ट के साथ जोड़ दिया जाए आइदर और को यदि दो सब्जेक्ट के साथ जोड़ दिया जाए तथा तथा बोलिए क्या बोलेंगे इसमें क्या बोलेंगे पहला पूर्ण दूसरा सिंगुलर पहला पूर्ण और दूसरा सिंगुलर तथा पहला प्लुरल हो तथा पहला प्लुरल हो हाँ तथा पहला प्लुरल हो और दूसरा सिंगुलर पहला प्लुरल हो और दूसरा क्या सिंगुलर तब आने वाला भाग आने वाला भाग सिंगलर होगा। लिखेगा आइदर 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 द स्टूडेंट्स स्टूडेंट ना होगा हाँ आइदर द स्टूडेंट्स और द टीचर और द टीचर और द टीचर आइदर द स्टूडेंट्स और द क्या टीचर इज कमिंग हियर टू अटेंड द क्लास इज कमिंग हियर टू अटेंड द क्लास। बोलिए ये जगह क्या होगा पता ना हाँ वही कन्फ्यूज खाएगा कि नहीं। अच्छा याद हो जाएगा कि दिखाएं लिख के हे बाबू लिख के दिखाएं अच्छा लिख दें कि समान नियम नाइदर नॉन के साथ भी होगा तथा नॉट ओनली बट आल्सो के साथ। यस सर हां सर उसको भी ऐसा ही तोड़े हां नॉट हो जाएगा शॉर्ट कर दूंगा लिखे नोट बने लिखे ताकि इस पर का जिस पर का बुलंद जी जिस पर का आइदर और का नियम होता है ठीक उसी प्रकार क्या होगा नाइदर नॉर Neither nor, not only, but also, not only, but also, के साथ, भी होगा, के साथ भी होगा, पता ना, yes, sir. या समझ गया बात को यही तीनों से क्या आता है क्वेश्चन आता है समझ गया बात को जैसे लिखेगा नाइदर इंडिया नोर चाइना नाइदर इंडिया नोर चाइना चाइना इज डेवलपिंग डे बाई डे
सही की डाला सही सर सही है ना ठीक है फिर लिखेगा कन्फर्म है ना फिर लिखेगा नाइदर नाइदर इंडिया नॉर पाकिस्तान एंड चाइना इज डेवलपिंग डे बाई डे नाइदर इंडिया नॉर क्या पाकिस्तान एंड क्या चाइना इज डेवलपिंग डे बाई डे बोलिए ये जगह क्या होगा अरे क्लियर है 100% अरे क्लियर चलिए और होगा ना ठीक है नाइदर नाइदर टीचर नाइदर टीचर नोर स्टूडेंट्स नोर स्टूडेंट्स Neither teacher nor students. Neither teacher nor क्या students. Clear है ना? अच्छा एक आवाज से सूचना करते हैं आज कौन दिन है बुधवार आज बुध है ना बृहस्पति शुक्र अगर शुक्रवार को अगर खत्म हो गया नहीं आठ दिन है ना हुआ तो खत्म हो जाएगा आज के आपका जो बैच जो है ना 5 से 7 हो जाएगा ठीक है 5 से 7 हो जाएगा 5 से 6 क्लियर है ना आपकी पढ़ाई होगी ग्रामर का 5 से 6 6:20 तक और 6:20 से हम पोजिशन धीमा धीमा ग्रामर भी चलता रहे धीमा धीमा अरे सुबह में तू का लड़का है पुराना बैच का अरे क्लियर है ना उन लोग का कॉम्पोजिशनल पढ़ाना उन लोग के दू हो के हम अकेले पढ़ाएंगे पढ़ावे तो पढ़ाएंगे नहीं समझे लेकिन एनर्जी तो वही एनर्जी हमें आप लोग को ही कर लेंगे कोई आपत्ति आप लोग ना ना अब ग्रामर सेटिस्फाइड हो गया है ना बड़ी पढ़ा दी ठीक है आप उसको भी साथ में ले लीजिए ठीक है और थ्योरी का भी जो छोड़ दीजिए गए थे वो दिन छोड़ कर नहीं इन लोग के बोले कि जाओ एजेंसी हमारा क्लास था कथनी से ऐसी कर रही थी ऐसी ऐसी बैंक थी गई मुस्कान वो एजेंट सर को एजेंसी को बोल दी ना बुढ़ो है अरे वहाँ बगलवा में तो पता नहीं हमारा से बोल रहे हैं और बड़ा मतलब दूसरा टाइप से बोल रहे हैं अंग्रेजी का टीचर नहीं थे समझ रहे हैं तो उनको ऐसा लैंग्वेज का इस्तेमाल कर जाइए ना हम अंग्रेजी अपने से कर इस पटना के धरती पर बात समझे ना बेदाम बादशाह है ये बूढ़ो जी का है ना तुम्हारा जमान पर इसको बैठा के कम से कम 50 साल पढ़ा इतने नॉलेज वाला लेकिन वो ना व्यक्ति का पता करिएगा इसके ऊपर में हजार हजार डेढ़ हजार का वेतन बात समझे वो टेस्ट का माहिर आदमी है नहीं समझे टेस्ट सीरीज का वो माहिर आदमी है हर मतलब अपना जवानी में उनका बेटा बेटी सब नौकरी भी है सरकारी तो वो जो है ना व्यक्ति जब थक गए बेचारे तो अब पुराने के सेटवा जो सेट किया है ना वही चला गया लेकिन ऐसे नहीं है उनका नौकरी में नॉलेज ना है गलत ऐसा भाषा का प्रयोग नहीं तो हमारा भगवान मानते हैं दुख का है अभी भी कहीं कुछ होगा ना इंग्लिश का टीचर होते हुए नहीं पता है 2016-17 में हमारा जितना लड़का था ना सब कहते थे कि इसे बाबा टेस्ट को टेस्ट जल्दी करवाए लेकिन उनको हम बोल देते थे कि क्वेश्चन एग्जाम लेते हैं बड़े अब बनता
नहीं है उनसे, शरीर हो गया, क्या हो गया, थक गया, अब तो हंसने लगते हैं जी, 85 साल का उम्र, बात समझे ना, ये एक ऐसा समय था, जितना अंग्रेजी गाँव के पास लेकर खर्चा पाता था फाउंडेशन टिकरा पर, जो बबुआ के पास पढ़ के आओ और अभ्यास करके आओ, हम दे देते थे कि जैसे और की प्रैक्टिस कराइए, जब कभी थक जाते थे बाबा तो हम करा देते थे, उनको बाबे बोलते थे, ऐसा भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। सच्चाई बात यह है कि जमात पर के सामने मिल जाने का तो कभी अरे नहीं हो, ये गलत बोल रहे हैं, इधर चाहे जो भी हो क्यों, क्योंकि ये सब हम लोग का पूर्वज है, ये गलत बोलना पड़ा, एक समय इस पटना के धरती को तीन चार टीचर दिया, हवा हवाई में एक मार्केट बनाने वाला सबसे पुराना टीचर है सभी रंग समझे, ये जितना भी रटफॉर्ड की सभी रंग समझे, अंग्रेजी में सबसे पुराना टीचर अशोक कुमार सिंह ऑफ कॉमन है, बात समझे, हाँ ये बता गलत बोल रहे हैं है ना, ये अशोक कुमार सिंह ठीक ना, उसके बाद में ये जमान करने में सभी का कॉम्पटिशन था ठीक ना, जमान प्रवेश का नाम लेला कहीं नहीं पढ़ा दो, क्योंकि इनका ग्रामर जमान प्रवेश से अच्छा है, बात समझे, बात समझे ना, तो ये दोनों में दोनों ग्रेट रहे बिहार के लिए, रहे कि ना रहे, एक नींव डाला क्या चीज पर, उस सदियों में क्वेश्चन का स्टैंडर्ड वही था, अब में बदल गया, फिर इंग्लिश में ये हो गया, तो ये बना दो इसका कोई नाम नहीं हुआ ठीक ना, उसके बाद में साइंस का ब्रांच छोड़िए ना, उसके बाद में मैथ्स में ये सब बनाया अपनी बार और दुनिया को ये सिखाया कि सबसे बड़ा बैच हज़ार डेढ़ हज़ार का बैच बनता है, और समझे ना डेढ़ हज़ार का बैच बना के दिखाया, वो भी पोजिशन को आदमी सरस्वती का वास है उसका जवान में, लेकिन बोलिए कि आप वो पढ़ाते नहीं है, कोई स्टूडेंट पढ़ता हुआ कुछ नहीं देगा, नहीं तो बोलना चाहते बोल देंगे ना, दो चार दिन बैठ के देखना नहीं बुरा देगा मैथ्स ना, तो सरस्वती का साक्षात वास है, बात समझे ना सर, लेकिन वो लीगल रूप से 750 करोड़ का है उनका, इतना अभी भी कोविड में आन हुए जवान स्कूल पर 5-7 करोड़ का, ये सब क्या है कि आप अपने प्रोफेशन पर ध्यान नहीं कहते, देख दे इधर से आएगा 50,000 के एडमिशन और उधर से 5 लाख, इधर ध्यान देंगे तो दो साल 3-3 साल में सिलेबस खत्म होता है, यही भी मैरिट है, अरे बात समझे, उसके बाद बताए सब टीचर को बताते हैं जी एस में ठीक ना, जहाँ पे बी के गुप्ता का नाम सुने हैं, मैथ्स वाला सुने हैं, यहाँ पढ़ाते हैं नवजीवन क्लास है शंभू शरण है ना, शंभू शरण सर बिहार को ये दिखाया कि हम BPSC नहीं करवा सकते, IAS नहीं करवा सकते, शंभू शरण आज मार्केट में नहीं है, यदि ईमानदार बुजुर्ग लोग साबित कर रहे हैं तो अधिक अधिक बुजुर्ग आदमी है बहुत बेखौफ बादशाह हल्का किसी से पूछेगा पुराना महा अभी है वो क्लियर है, ऐसे ही रहते हैं बैठा रहते हैं, जब कभी क्लास होते हैं किसी का हैसियत नहीं होगा, GS का भंडार ठीक ना, तो बहुत सारे लोगों ने इस मार्केट को बनाया, उसको खाली आप नहीं दे सकते हैं और किसी को भी नहीं सोच सकते, उसको हम बोले थे कि बाबा हम निकाल रहे हैं बता दीजिए, उसको खोल के वहाँ से शांत रहते हैं सब बता देते हैं, अंग्रेजी पढ़ाते पढ़ाते तो हार गया है तो नॉलेज ना है तो ना होगा, वो नॉलेज होगा, और बैंक बुक कर रहा था SBI वगैरह का, तब हम अपने बैंक जाते चलो छोटा क्लास होने में बंद कर, अब मान लो ICICI एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन देता है तो अपने भी बैंक के बनाओ भी बन जाएगा, दिया ही करना हो ना, दादा तो लड़का हाईकोर्ट में चला गया है ना, यहाँ से पढ़ के बढ़िया से अभी करिए, विश्वास अपने आप में लाइए, गलत बोल रहा है कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं ठीक है, चलिए आगे चला जाए, ये हो गया बाबू क्या बोले बताइए, नाइदर टीचर नोर क्या स्टूडेंट, ये बोला क्या होगा कमिंग हियर
आर कमिंग हियर टू अटेंड द क्लास, टू अटेंड द क्लास, आर होगा की होगा, आर होगा, लिखेगा नाइदर, लिखे सर नाइदर, नाइदर गर्ल, गर्ल्स करिए, नाइदर गर्ल्स, नोर बॉय, नोर बॉय इज प्रेजेंट इन द क्लास, लिखेगा नाइदर, दोनों पुल लिखा दिए हैं, नाइदर गर्ल्स नोर क्या बॉय इज प्रेजेंट इन द क्या क्लास, अरे हो गया, फिर लिखेगा नाइदर, नाइदर, नाइदर गर्ल्स नोर बॉयज, ई होगा क्या होगा, आर प्रेजेंट इन द क्लास, तो ये तो छूट रहा है था, चारों हो गया, लिखिएगा नॉट ओनली, नॉट ओनली अ स्टूडेंट, नॉट ओनली अ स्टूडेंट बट आल्सो, बट नॉट ओनली अ स्टूडेंट, एस लगाया ना स्टूडेंट्स में, अ स्टूडेंट्स, अ स्टूडेंट्स, बट आल्सो द टीचर, इज रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजल्ट, फॉर द रिजल्ट, फॉर द रिजल्ट, हो गया, बोलिए क्या होगा, ठीक होगा ना, सही है ना, लिखेगा नॉट ओनली, अगर बोल दीजिएगा तो छोड़ देंगे इस कंसेप्ट को, नॉट ओनली टीचर्स बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स, आर इन्वॉल्व, इन्वॉल्व, इन्वॉल्व इन द मैटर, इन द मैटर, बोलिए सही की गलत, सही पता ना, किसी को आपत्ति है बोलिए, लड़का कोई बताओ, किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत, कोई लड़का या कोई बच्चा या बच्ची अगर प्रॉब्लम है बताइए, बना दीजिएगा ना तीनों कंसेप्ट को, अच्छा ये एक चीज सुनो ना, आइदर, आइदर हमेशा किसको फॉलो करता है, और को, अब ये चकमा देगा आपको, जैसे आइदर नाइदर लिखेगा वैसा शब्द, लिखेगा वैसा शब्द जिस शब्द के अंत में, लिखो हम हटा के, वैसा शब्द जिस शब्द के अंत में बॉडी, वैसा शब्द जिस शब्द, नोट देख ले, हाँ नोट देख ले, वैसा शब्द जिस शब्द के अंत में, वैसा शब्द जिस शब्द के अंत में, वैसा शब्द जिस शब्द के अंत में बॉडी तथा, बॉडी तथा, बॉडी तथा वन हो, वैसा शब्द जिस शब्द के अंत में बॉडी तथा वन हो, क्लियर है, वह अपने आप में, वह अपने आप में सिंगुलर माना जाता है, वह अपने आप में सिंगुलर माना जाता है, वैसा शब्द जिस शब्द के अंत में बॉडी तथा वन हो, वह अपने आप में सिंगुलर माना जाता है, अरे क्लियर है, जैसे लिखिएगा somebody, 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 nobody, someone, anybody, everybody, everybody, either, either, neither, हो गया, it is good, पकड़ लीजिए ना, अब आइदर नाइदर यहाँ लिखवाए हैं, किसने लिखवाए, एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, अरे अपने आप से समा जाइएगा ना, जैसे लिखेगा, लिखेगा समवन, लिखेगा समवन
लिखा ओम, लिखेगा समवन, लिखेगा हैव कम, हैव कम, हैव कम टू अटेंड द क्लास, टू अटेंड द क्लास, समवन समवन हैव कम टू अटेंड द क्लास, बोलिए यहाँ हैव होगा कि हैव होगा, याद रहेगा ही कंसेप्ट क्या, क्या कंसेप्ट है बॉडी ऑफ बॉडी आर सिंगल लिखते हैं वैसा शब्द बनेगा, सुनिए वैसा शब्द जिस शब्द के अंत में क्या लगाओ बॉडी और क्या वन लगाओ, वैसा शब्द जिस शब्द के अंत में क्या लगाओ बॉडी और क्या वन लगाओ, वैसे शब्द अपने आप में सिंगुलर मान तब हाथ को सिंगुलर आएगा, क्लियर है ना, जैसे समवन समबडी नोबडी एवरीबडी एनीवन एवरीवन प्लूरल की सिंगुलर आर होगा कि इज होगा, आप बताइए इवरी सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है, तो इवरी बॉयज होगा कि इवरी बॉय होगा, इवरी बॉय, इवरी गर्ल कि इवरी गर्ल्स, इवरी गर्ल है, गर्ल, इवरी गर्ल, गर्ल गर्ल ना, यस सर, अरे क्लियर है, समझ गया, आइदर एक जगह प्रोनाउन है और एक जगह कंजंक्शन है, यस सर, नहीं इसी के जानते हैं आइदर हमेशा और को फॉलो करता है, आइदर नॉर को, अगर नॉर को फॉलो नहीं करेगा ना तो हमेशा ऑफ के बाउंड में आएगा, किसके बाउंड में आएगा, ऑफ के बाउंड में, जैसे आइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स तब हम पढ़ाए होंगे कि आइदर का प्रयोग दो में से एक को चुनने के लिए, नाइदर का प्रयोग दो में से किसी भी नहीं चुनने के लिए, अरे बताए कंसेप्टवा है दिए है ना, उन लोग से हमको डर नहीं है, डर है ये दोनों मुरियन से, अरे बात समझे ना, डर है तो डरे डर ये बताए जी समझ जाएंगे, समझ जाए ना, क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग आप लोग को क्लियर नहीं कर पाएंगे कि दो में से एक को चुनने के लिए आएगा, दो में से ना याद है यूज ऑफ प्रोनाउन नोट है यहाँ कहने हैं सर आइदर ऑफ टू स्टूडेंट्स तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है सिंगुलर, सब सिंगुलर, अच्छा अगर इसका बाउंड के पहले बोलर नहीं क्या सिंगुलर, ज़्यादा दिक्कत होगा तो देख लेना इसे, अरे क्लियर है ना, तुम लोग समझ रहे हो भाई, खैर चलो यहाँ तो सेंटेंस है बन जाएगा, क्लियर है, जैसे लिखिएगा इवरी अगला क्वेश्चन, हाँ इवरी वन, इवरी वन इज कमिंग हियर टू अटेंड द क्लास, इवरी वन इज कमिंग हियर टू अटेंड द, ये प्रोनाउन में तुम्हारा नीतू सिंह का बहुत गलत है बात, वो जन्म दिन आए नीतू जी पहुंचेंगे आंसर, जैसे लिखेगा आइदर, लिखेगा आइदर आइदर ऑफ आइदर ऑफ आइदर ऑफ द टू टीचर्स, आइदर ऑफ द टू टीचर्स, बोलिए सही की गलत, सही भारत का डिसीजन, अरे ऑफ है दोनों साइड नाउन है, नाउन है हाल का डिसीजन पहले से, ई होगा कि आर होगा, ई होगा, ठीक है ना, इज कमिंग हियर, इज कमिंग हियर, इज कमिंग हियर, अरे क्लियर है टू मीट मी, बोलिए सेंटेंस है कि गलत, सही है, बोर्ड पर जाना पड़ेगा हमको समझ में, तुम लोग यार समझ गए हो, तुम हो तुम बिना तुम अरे घर कर दी लड़ा कहते धान रूप में चला रहा हो धान हूँ ना हो इंसान
ये तो काले जानते हैं एवं हमारा बादल में रिलेटिव है भगवान है कह रहे कि हम 12 दिन हम रोक दिए हैं मन में कह रही थोड़ा 12 दादा तो ये समझ में मिला है मैं बाबा दादा के और दिन को पैतरा दे ले दिन को पारी के नाम बता दी अरे ना बोले उतना में आप लोग बोल देते तलाक से हाँ सही बता रहे हैं हमारे लोग का मतलब बोलिए भगवान है पता है हमारा कितना जमीन है ये है खाना मास्टर है वो विकेश बाबू मैं समझे और अतिया के सुना रहा है मैंने शादी में बोला है समझिएगा ये तो संख्या है संख्या के साथ डरना ना लगता है तो इधर वाला जो बढ़ानिया है दे दिए अरे आपके पहले जाता है ना वही बढ़निया दे दिए है आइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स ये ऑफ है दोनों साइड नाउन और क्या है प्रोनाउन है बाहर का डिसीजन है है पहले वाले से और ये वाला अगर सिंगुलर है तो लास्ट है सिंगुलर सिंगुलर होगा और प्लूरल है तो लास्ट है आज जानते हैं ये सब हां तुम लोग के लॉजिक हम बता रहे हैं और किताबों का वहां में ऐसे लिखा जाएगा लिख लो ये भी लिखवा देते हैं लिख लो आइदर और आइदर neither, anyone, none हो, none, no one, हाँ no one, no any, clear है, I, हो गया no any, हो गया ना, वही वाला भी आएगा, no any, no क्या, any, अरे clear है प्लस मतलब और अरे प्लस क्या और प्लस अरे क्लियर है यहाँ पीसीएन होगा पीसीएन मतलब पुनल पुनल अब आपको ज्ञान होना चाहिए कि भाई कौन दूर के लिए और कौन दूसरे अधिक के लिए ज्ञान होना चाहिए अरे क्लियर है तो इसलिए आप पीसीएन लिख दें ना तो कोई नोट ही देखे रहता गलत काम दे बड़ी दिक्कत है यार तुम लोग समझ रहे सब तो पीसीएन मतलब पुलर अरे ना पढ़ाया दो में से तो वहाँ उठने लगी हो गया ना ये लिख लिया है ना अब यहाँ तक लिख लिया है ना डायरेक्ट लिख लिया के साथ आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा के साथ आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा के साथ आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा विनय आराम से एकदम नोट में लिखा लिए पीछे हम डर कह रहे हैं अच्छाई हजार को देखता है और बुराई नहीं अच्छाई ये तो देखता हूँ हजार बुराई जैसे वहाँ पीसीए लिखेंगे तो जो पढ़ा लिखा लड़का वो काट देगा कि ना कि मत करवा पागल है ये हो क्योंकि नाइदर ऑफ टू स्टूडेंट्स पीसीए नाम हो गया नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स होगा नहीं होगा अरे
टीचर है तब नन ऑफ द स्टूडेंट्स होगा, या कोई दो के लिए होगा, कोई दो से अधिक के लिए होगा, बताए हैं ना बाबू? तब वहाँ काट देगा कि ना वैसे लिख रहा PCN? अरे PCN मत लिखो ना, हमारा बेनती करवा दूंगे, है ना, विषय जानकारी के लिए प्रोनाउन देखो आप देखिएगा, इसलिए आप दिखवा रहे हैं हमको, ना देखिएगा, जाके देखिएगा कि कितना सा टाइजर, कितना सा नाइजर, ये कंजक्शन नहीं है, जवाब के साथ आएगा, बाहर का डिसीजन जैसे लिखेगा नाइदर, एग्जांपल दे देते हैं काम भर, नाइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स, नाइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट इन द क्लास, इज प्रेजेंट इन द क्लास, बोलिए भाग का डिसीजन आगे से कि पीछे से? आगे से है, इधर से पीछे से, अरे ऑफ है ना, पीछे से ना हो, अच्छा हाँ इधर पहला से, ये नाइजर के लिए वहाँ आ रहा है क्या, स्टूडेंट्स के लिए आ रहा है, नाइजर के लिए है, नाइजर के लिए, नाइजर पुलल है कि सिंगलर है, सिंगलर है, बात सिंगलर है, लिखेगा none of the students is present in the class, आर होगा कि इज होगा, सही है, सही है, का डिसीजन पहले से, अगर यहाँ लिखते ना कि none of the students तो गलत हो जाता, हाँ तो विशेष जानकारी के लिए प्रोनाउन को देखें, यहाँ पे कैसे बोले सर, यहाँ पे ना ना सर, ये खाली बिट दीजिए, ये वही बिट दीजिए, अरे बहुत वर्ड है, बोलो से पूछो, खाली बोलिए सर, क्या रिपीट किए सर, खाली मतलब शिवानी तो इसको बोलो तो एक बार समझ पाएगा, अभी क्या बोले खाली, हम पूछ सुनना है खाली, बस सब पूछ सुनना, पर अगला काट के रख देगा, अधूरा ज्ञान हम नहीं देंगे तो बोल, अरे इतना खतरनाक क्या है, बोल रहे हैं बताइए, ये तो सिचुएशन आदमी गलत कर बैठे और हम वो चीज में फंस जाए तो वो तो अस्तार है, चल जाता है, अब हम क्या है, सेवन स्टार है सर, सेवन स्टार ना है भाई, देखो फेसबुक पर लड़का मार ले था 7-8 दिन पहले वो, कि लास्ट में मतलब ये वो रेस्टोरेंट था तो सरकारी रेस्टोरेंट था सोखा, जो सलाह वो ही बीत गया, प्रकाश बसेन मोदी बेच दिया, सब बेच देगा वो, सब देश का प्रॉपर्टी लेकिन बेच दिया ना यार, लेकिन ये व्यक्ति व्यक्ति को आवा भाष राजा का नीति सरकार कोई विरोध किया थी, कोई विरोध है, इसे साफ पता चलता है कि कहानी समापन का छोटी मुझसे मार दो, हाँ मार दे रहे, अच्छा अभी इसको कोई मारने लगेगा तो किसका पक्ष लीजिएगा, इसका लेने की नहीं क्योंकि सब देश को बेवकूफ़ बना के नेता बड़ी खाता है, है ना, चलिए हो गया सर भाई, मामले लिखा क्लियर हो गया ना, कंसेप्ट क्लियर है, बिना है बाहर खाली सोचना है, विशेष जानकारी के लिए आप जाके अब फिर दिक्कत होगा, इवरी स्टूडेंट अच्छा अगर ऐसे लिखे कि आइदर द टीचर और द क्या, आइदर द टीचर और द स्टूडेंट्स और बीके सिंह, हाँ या कुछ भी पटना, ईज होगा कि आर होगा, ईज होगा, हैं आर होगा, बीके सिंह क्या बोल सकते हैं, याद रखना एग्जाम क्वेश्चन बनाते समय आइदर, कोई बात नहीं है, आइदर द टीचर
और द स्टूडेंट्स और पढ़ना इज क्या आर सर हैं आर बोलो यार आइडर बेटी सिंगल पढ़ना आइडर सिंगल स्टार्टिंग से आर होगा सर आर होगा सर कंफर्म है अरे ऑफ है उसके अनुसार मतलब पहले वाले बन सर ऑफ का इसके पहले स्टूडेंट से सिंगुलर भर पाएगा इसके पहले वाले के अनुसार तो यहां से यहां तक कंजक्शन है और तभी ना आइदर और को फॉलो किया है ये अकेले आया कि दोनों के साथ दोनों के साथ है तो इधर का डिसीजन एकरा से ना हो सेकंड सब्जेक्ट से ना तो ये जो का क्या रहा है का सब्जेक्ट है दुनिया से क्लियर है पता ना के तो घुमाए जाल में फंसना नहीं है बुलाएगी मगर इसका कंटेंट सर एक सारा कंसेप्ट वही है सारा कंसेप्ट बस ये खेल खेलता है कि ऑफ है दोनों साइड नॉन फॉर नॉन भाग का किसी जाए पहले से खेल को समझना है जी लेट्स गो सर एक बार आइदर स्टूडेंट पहले लिखो जो तुम बोल रहे हो कॉपी में लिखो अपना मानो तुम लिखो लिखो ना अपन के दिमाग ना है सब तीन हमारे दिमाग में चलोगे अपना भी सोचो कि हो चलो हाँ बोले ये ऐसे बोला आइदर द टीचर और स्टूडेंट्स ऑफ बट नो इंजीनियर्स आर इंजीनियर काहे हो रहा है बताओ काहे हो रहा है बताओ अरे ऑफ के पहले वाले से और पहला आइदर और को फॉलो कर रहा है तो जब भी आइदर और आएगा तो भाग का डिसीजन पहला से कि सेकंड से स्टूडेंट्स का हुआ है एक से ज्यादा से ये भी नहीं यार ठीक है इसको हम कर दे आइदर स्टूडेंट्स और द टीचर तभी हो जाएगा तभी टीचर के साथ लेगा अरे हो गया फिर तुम तो बात करने लगा हमें बड़ी डर लगता है कि कहीं तुम लोग मार ना नहीं सर दम लगा के बोलते हैं ना लेकिन रोहित मार ना करने वाला वो दूसरा टाइप के लेकर उम्र ला रहे किसी की तो समाज जाएगा वो साफ हो जाएगा लेकिन लेकिन उसको भी मतलब जो है ना मतलब दूसरे टाइप का है निसंकोच भी हम बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं थोड़ा सा बात पर्सनल बात नहीं शेयर करना ठीक है सर समझ गया रोहित सब लोग कोई दिक्कत है ठंडी तू ना समझा भैया भूख निगत करोगे ना काम पसंद आ जाएंगे सुबह से प्रभावी जी पर साढ़े छः बजे है ना दोनों को क्लास लेने अभी सीटेट का क्लास लेके आ ठीक ना तुम्हारा क्लास से जो बैग टू बैग का दिक्कत है सीधा समाप्त हो गया आपका क्लियर है ना देखो क्या बात है